हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, इस लॉ को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ हमारे शरीर में है। अर्थात जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वह हमारा शरीर ही तो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हमें बताता है दोस्तों कि हमें किन बातों और विचारों को अपने माइंड में रखना और महसूस करना चाहिए ताकि हम हर चीज़ को हासिल या पा सकें। क्योंकि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड हमारे विचारों पर ही प्रतिक्रिया देता है। जैसा भी विचार हम बार बार सोचते हैं या महसूस करते हैं, इवेंचुअली हम वैसा ही बन जाते हैं दोस्तों। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती है। जरूर सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है दोस्तों। हम अपने विचारों के माध्यम से जो चाहें वो बन सकते हैं और हासिल भी कर सकते हैं। ये कोई नई खोज नहीं है दोस्तों। भगवान बुद्ध जिन्होंने कहा था दोस्तों कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने कहा था, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि हम क्या सोचते हैं। कभी सोचा है एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश होता है? एक इंसान जो सुखी और समृद्ध होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों? एक व्यक्ति जो डरा हुआ और तनावग्रस्त जबकि दूसरा आस्थावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है? कोई व्यक्ति अमीर है तो दूसरा गरीब क्यों है? कोई इंसान सफलता की हर सीढ़ियां छूता है तो दूसरा इंसान इतना असफल कैसे? कोई अपने काम में इतना जीनियस होता है तो कोई जीवन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता? कोई अपनी लाइलाज बीमारी से क्यों ठीक हो जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति नहीं हो पाता? कई अधर्मी और अनैतिक लोग सफल, समृद्ध और स्वस्थ क्यों होते हैं? ऐसे अनगिनत सवाल जिनका सिर्फ एक ही जवाब है दोस्तों, सिर्फ आपका अवचेतन मन। दोस्तों, अगर हम अपने दिमाग की शक्तियों को समझने के लिए उसे दो भागों में बांटते हैं तो उनके नाम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होगा, चेतन और अवचेतन मन। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड हमारे पूरे दिमाग का सिर्फ 10% होता है। चेतन मन से ही हम अपने दिनचर्या के सभी कामों को करते हैं। जब हम किसी काम को ध्यान से करते हैं तो ये हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से होता है, जो हमारे कंट्रोल में ही होता है दोस्तों। वहीं हमारा अवचेतन मन दोस्तों ये उसको कंट्रोल करता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे शरीर के अंदर सभी क्रियाओं को संचालित करता है और बार बार सोचे गए विचारों को दर्ज करता है। जो मन सपना देख रहा है सबकॉन्शियस माइंड ही है, इसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, भगवान बुद्ध और स्वामी विवेकानंद के बाद भी और भी कुछ महान लोगों ने इस सीक्रेट के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। बॉब प्रॉक्टर जो एक फिलॉसफर और ऑथर हैं, जिनका मानना है यह सीक्रेट आपको सब कुछ प्रदान करता है, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, खुशी हो या दौलत हो। डॉक्टर जॉय जो एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, जिनका मानना है आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। जैक कैनफील्ड, जॉन अश्रफ जैसे कई महान लोगों ने इस सीक्रेट के बारे में कहा है दोस्तों। और ये सीक्रेट सिर्फ यही कहते हैं दोस्तों कि जो भी चीज़ आपके जीवन में आती है आपने स्वयं उसे आकर्षित किया है। इसे ऐसे समझें दोस्तों, बेसिकली जो भी आपके मन में चल रहा होता है या जो भी सोच रहे होते हैं उसे आप अपने जीवन में आकर्षित ही कर रहे होते हैं। एक महान आर्किटेक्ट या आर्टिस्ट लियोनार्डो द विंची, जिन्होंने इस सीक्रेट को अपनी पेंटिंग्स में भी दर्शाया है, और भी बहुत से महान वैज्ञानिक और विचारक जैसे सोक्रेट्स और नाइटिंगल, निकोला टेस्ला, पाइथागोरस, न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के बारे में अपनी कहानियों में बताया है, जिन्होंने कहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली लॉ है। ये सिद्धांत आपके सोचे गए विचारों पर ही रिस्पॉन्स करता है, फिर चाहे वो पॉजिटिव थाट हो या नेगेटिव। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन सोने से 10 मिनट पहले और जागने के 10 मिनट बाद तक सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सोने से ठीक 10 मिनट पहले अपने उस विचार का निरीक्षण करके उसे अपने मन में रिपीट करें जिस विचार को आप अपने जीवन में हकीकत या वास्तविक रूप देना चाहते हैं। अपने उस विचार को डीपली विजुअलाइज करें। विजुअलाइजेशन प्रोसेस यानी मानसिक तस्वीरें देखने की सशक्त प्रक्रिया। आप सिर्फ उन चीज़ों की तस्वीरें मन में बनाएं
जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, और उन तस्वीरों को देखते हुए वैसे ही भावनाएं मन में जागृत करें कि आपको वह सच में मिल चुका है। फिर वैसी ही फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड के पास जाती है। यह वास्तव में एक सशक्त प्रक्रिया है जिसे बहुत से सफल लोग करते हैं। आपके विचार और आपके विजुअल्स जितने डीप होंगे, आपका अवचेतन मन उतने ही तीव्र परिस्थितियां उत्पन्न करके देता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ दो बार बनती है, पहले मन में फिर हकीकत में। आज तक जितनी भी खोजें या तकनीकों में बदलाव आया है, वह तस्वीरें पहले मन में ही तो आई होंगी, फिर ही उसने वास्तविक रूप लिया होगा। दोस्तों, एक सेब के गिरने से न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट बंधु ने हवाई जहाज की खोज, एडिसन का बिजली का बल्ब बनाना, ये तस्वीरें पहले मन में ही तो बनी होंगी। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन आकर्षण की शक्ति हमेशा काम करती है। आकर्षण का नियम एक पावरफुल लॉ है जो कभी विफल नहीं होता, बस हमें इसका सही अभ्यास करना आना चाहिए। दोस्तों, मैं आने वाली वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही अभ्यास और कुछ टेक्निक शेयर करूंगा। और आज की इस वीडियो से आप कितना सहमत हुए हैं दोस्तों, जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।